तो दोस्तों हमारे पास ये फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का E2252। और इस फ़ोन में दरअसल प्रॉब्लम है कि चार्जिंग में जो ये ऑन ऑफ हो रहा है और बैटरी कनेक्ट में जो है ये काम वर्क ही नहीं कर रहा है। मतलब बैटरी प्लग इन कर रहे हैं तो ये बैटरी ले ही नहीं रहा है और स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो ये इसकी टिप है ये हम रिमूव कर लेते हैं और ये टिप को बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड है, और जो बीच वाला है ये BSI पॉइंट है, और जो साइड वाला है ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है BSI लाइन से आता है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सा जो BSI का ये पॉइंट है इसकी लाइन आती है, ये एक ब्लैक कंपोनेंट लगा छोटा सा, यहाँ पर ब्लैक कंपोनेंट लगा है, यहाँ पर ये छोटा सा ब्लैक कंपोनेंट लगा, ये वाला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला इसे सिंपल सा आपको रिमूव कर देना है। तो इसको जैसे रिमूव कर देंगे जो आपका ये प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, और जो आपका प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है 100% चार्ज होने लगेगा। देखिए सिंपल सा अब चार्जिंग लगाना है और बैटरी जो है प्लग इन करना है, आपका फ़ोन जो है चार्ज होने लगेगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये देख सकते हैं चार्ज होने लगा। तो इस तरीके से आप ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो बड़े आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और बड़े आराम से इस पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।